प्रदेश में दो विधानसभा सीटों पर उपचुनावों की जंग का ऐलान हो गया है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही उपचुनाव में जीत का दावा कर रही है। वल्लभनगर और धरियावत में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने दोनों सीटों पर जीत का दावा किया। कटारिया ने कहा कि धरियावत सीट तो 100% बीजेपी जीतेगी ही, वल्लभनगर के त्रिकोणीय संघर्ष में भी इस बार बीजेपी जीत हासिल करेगी। कटारिया ने कहा कि मेवाड़ में बीजेपी का आधार है। कटारिया ने रणधीर सिंह भिंडर को बीजेपी से प्रत्याशी बना पर कहा कि भिंडर को प्रत्याशी बनाने की कोई संभावना नहीं है। इस दौरान कांग्रेस में चल रहे बदलाव को लेकर कटारिया ने सरकार पर तंज कसा। दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी। दरियावत तो 100% जाएगी और वल्लभनगर ट्रायंगल होगा जरूर, लेकिन ट्रायंगल में भी अब की बार भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और 100% जीतेंगे। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वहाँ बहुत सशक्त पहले से थी और लोकसभा में भी हमको बहुत अच्छे वोट वहाँ मिले हैं, जबकि स्वयं गजेंद्र है ना, एक तो रणधीर सिंह जी हमारे से खिलाफ वाले कांग्रेस कैंडिडेट के प्रचारक बन करके घूमे थे, उसके बाद भी हम बहुत अच्छे वोटों से जीते हैं। ये हरीश जी को बोलने की ज़रूरत क्या है कि इतना सब होने के बाद हमारे साथ 100 लोग हैं और हम पंजाब नहीं होने देंगे। मैंने कहा वो पंजाब नहीं होने देंगे, इसका मतलब क्या है।